देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर एक बार श्री राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कार्य सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें द्वारिका जिले के करीबन 100 कार्य सेवकों पर फूल मालाओं से वर्षा कर उन्हें भगवा ध्वज थमाया गया, जिसमें तमाम हिंदू संगठन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए। दरअसल इंदौर शहर हमेशा से सम्मान के लिए जाना जाता है और इसी कड़ी में फिर एक बार जहां एक ओर अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कार्य सेवकों का द्वारका जिला, जो कि विधानसभा एक में आता है, वहाँ इनका स्वागत सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैप्पी वर्मा सहित अन्य बीजेपी के नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहित पूर्व विधायक और राष्ट्र कवि सत्यनारायण संतन द्वारा कार्य सेवकों को श्री हनुमान चालीसा भेंट कर उनके ऊपर फूलों से वर्षा कर उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। इस कार्यक्रम से श्री राम के जय घोष से पूरा पश्चिम क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों का कहना था कि कार्य सेवक ही हमारे आराध्य है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज श्री राम भगवान का भव्य मंदिर हिंदू सनातन धर्म को प्राप्त हुआ है और इसी कारण आज हम उनका सम्मान कर रहे। उस भाव को जिया है, जिस भाव को लेकर के रामचरितमानस में हनुमान जी से लगा करके अन्य कपीश्वरों ने भी उसको जिया है। कवियों की स्थिति यह है, कपियों की स्थिति यह है कि वो झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका परमात्मा, उनका ईश्वर, उनका स्वामी जो है वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। बंदर तो झाड़ पर बैठते हैं और स्वामी झाड़ के नीचे बैठता है। ऐसे स्वामी और सेवक की व्यवस्था को लागू करने के लिए रामचरित की आवश्यकता होती है और वो रामचरित का मानस का ये भाव जो है समाज में प्रजातंत्र को जीवित रखने में मदद करता है। ये वही कार सेवक है हनुमान की तरह, बानरों की तरह, जिन्होंने राम सेवा में कार सेवा करते हुए अपने आप को समर्पित किया था। भगवान राम जब चले थे रावण से युद्ध करने, तो उनके बीच में जो कपिगण थे उनके पास कोई हथियार थे क्या? हमारे पास एक ही हथियार है, सबका साथ सबका विकास। उनको लाए हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो उसके लिए संघर्ष किया, कार सेवा की और लाठी गोली खाने का काम जिन्होंने किया, ऐसे कार सेवकों का सम्मान समारोह आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। और मैं सभी उन कार सेवकों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके संघर्ष के कारण से आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, इसीलिए उनका सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम एकत्रित हुए हैं। कितने लोगों का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, ऐसे 100 कार्यकर्ता द्वारिका जिला हमारा कहलाता है, आरएसएस की दृष्टि से, विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से द्वारिका जिले के 100 कार सेवकों का सम्मान समारोह यहाँ पर किया है। देखिए, जब कार सेवा की गई, विश्व हिंदू परिषद ने उसका आह्वान किया, आदरणीय अशोक सिंघल जी ने उसका नेतृत्व किया, जब हमारे कार सेवक बंधु अयोध्या पहुंचे तो तत्कालीन सरकार ने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में घोषणा की और गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हमारे कोठारी बंधु शहीद हुए। ऐसे हमारे शहादत देने वाले कार्यकर्ताओं को भी हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने वाले हैं। बावड़ी जो हादसा हुआ है, इस हादसे के जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, मैं उन सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में भी उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हमने यहां पर आयोजित किया। कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है, जनप्रतिनिधियों का सांसद को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति का विषय नहीं है। रामनवमी का दिन था, पूजा पाठ करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, क्या घटना घटी, कैसे घटी, उसकी जांच शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है और मुझे लगता है कि आगे उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी सरकार करेगी। कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, प्रत्यारोप लगाना है, वो करते रहेंगे। हमारा काम करना है, लोगों को राहत पहुंचाना है, राहत देने का काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि हमारी सरकार बनी तो हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। देखिए, पिछले 15 महीने में उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने क्या किया पूरा मध्य प्रदेश जानता है, और पिछले 20 सालों में भाजपा ने क्या किया, राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विकास की बयार लेकर आई है, ये सब लोग जानते हैं। ये विषय राजनीति का नहीं है, इस पर राजनीति ना कांग्रेस को करनी चाहिए ना भाजपा को करनी चाहिए।